अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जान। बुधवार रात को दो समुदाय के युवाओं के बीच हुआ आपसी टकराव, चाकू चले जिसके कारण एक की मौत, जिसको लेकर भारी पुलिस बल की तैनाती में हुआ अंतिम संस्कार। घटना में बुधवार रात को दो समुदायों के युवाओं के बीच हुए आपसी टकराव में चाकूबाजी हो गई, जिसके कारण एक समुदाय के 16 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई। रात की घटना की जानकारी मिलते ही थाना परिसर, अस्पताल और अल्पसंख्यक वार्डों में भारी तनाव की स्थिति रही। वहीं सुबह मृतक के शव को परिजनों के द्वारा कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। महेश्वर नगर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले के 6 थानों की पुलिस और आला अधिकारियों की उपस्थिति रही। पोस्ट ऑफिस चौराहे पर SDM दिव्या पटेल, SDOP श्री सोलंकी और थाना प्रभारी पंकज दुबे ने मोर्चा संभाला। वहीं अल्पसंख्यक वार्डों में महेश्वर के पूर्व थाना प्रभारी जगदीश गोयल अपनी टीम के साथ लगे थे। वर्तमान में पूरे नगर में शांति व्यवस्था कायम है और नगर के बाजार पूरी तरह से सामान्य रूप से खुले हुए हैं। आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर अभी पुलिस प्रशासन की तरफ से कुछ भी जानकारी नहीं दी जा रही है। वो रोशन ज्ञान के पीछे उसको मारने लगा, तो उसको बेकाल तरह की मजबूतियाँ पकड़ा, उसको मार रहा था, तो हमने छुटाया तो चार घर में खेजा को पकड़ लिया और उसको चाकू मारा। और किसी को लगी है क्या? तुम्हारा उसकी लगी थी लगी है। क्रिकेट के बच्चे थे तो रोशन जो मैं नाम थे उसको बाल लग गई थी, ठीक है। बाल से जो विवाद हुआ उसमें मृतक है, उसको चाकू से मारा उसके लिए, ठीक है। तो सर ये जैसे जनता आक्रोश है, जनता के बीच जैसे अपना मैसेज क्या है सर कि अपन क्या कायमे करेंगे? कोई होगा सर कि नहीं होगा? जो कायम है धारा के लिए। सर अभी कितने आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं? जो आरोपी तो अभी सूरत कर रहा है, आरोपी तरह जारी है, दो राउंड हो चुके हैं, रिकवरी कर रहे हैं, दो दिन से आए। सर जो मुख्य आरोपी है इनके और कोई पुराने क्राइम वगैरह हैं? वो अपन देखा देख बता उसका। अच्छा, कितने टोटल आरोपी सर इसमें? पांच आरोपी है सर। उनके कुछ नाम वगैरह? एक नाम बम है, दूसरा रोशन है, तीसरा साजद है, एक रोहित है और एक काना है। ये सारे निवासी कहाँ के सर? सभी के महेश्वर के। महेश्वर के निवासी। सर के कोई क्राइम रिकॉर्ड? जी अब रिकॉर्ड इसका देखेंगे। सर कल शाम को महेश्वर में क्रिकेट की बॉल लग जाने की छोटी सी बात पर से झगड़ा बढ़ गया। बच्चे ही थे लगभग 18-19-20 साल के, और इस बीच झगड़े के दौरान एक लड़के ने दूसरे लड़के को जो है वो धारदार किसी हथियार से वार कर दिया है, जिससे उसको इलाज के लिए हॉस्पिटल लेके जहां पे उसकी डेथ हो गई, जिस पर से पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराध धारा 302 149 कायम किया, क्योंकि उसमें और भी लड़के थे, और आरोपियों को राउंड अप कर लिया गया है और बाकी इन्वेस्टिगेशन जारी। सर नगर में इस प्रकार की बातें भी निकल के आ रही है कि सफेद पाउडर नामक कोई नशीला पदार्थ जिसको खाकर इस प्रकार की स्थितियां बन गई कि नाबालिग बच्चे क्राइम की ओर आगे बढ़ रहे हैं, सर इस विषय कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, इसमें जो है जो मुख्य आरोपी है उसका परीक्षण किया गया है, उसका ऐसा कोई नशा करना नहीं पाया गया, अपितु ये जरूर लगता है कि शायद वो कुछ शराब वगैरह पीता है। डीजीआना न्यूज निमाड़ रिपोर्ट महेश्वर।